जब मैं सबका विकास की बात करता हूं तो उसमें प्रकृति भी शामिल है और उसमें सबका साथ यानी 125 करोड़ देशवासियों की सक्रिय भागीदारी का भी आह्वान करता हूं। गरीब का कोई मान्य नहीं है। सारे लोग अरे कुदरत ने सबको पैदा किया, सबका हक है जमीन के ऊपर। हजार 15 में झुग्गी टूटी थी, हमारे बच्चे मर गए थे, हमको घर से बेघर कर दिया गया। बगैर नोटिस लगाए उसने झुग्गी हमारी तोड़ी थी। 8 बजे करीब ये 5 बुलडोजर यहाँ खड़ा कर दिया और खड़ा करने के बाद वो पूरे झुग्गी में बोला कि झुग्गी खाली करो। अब हम लोग काम पर चले जाते हैं और नोटिस वोटिस कुछ भी नहीं लगाया, तो हम लोग सोचे कि बगैर नोटिस लगाए तो झुग्गी टूटेगा नहीं, ये माने कि हम लोग को इस तरह झूठ बोल रहे हैं। अच्छा नोटिस जो है लगाया नहीं और उसके बाद सुबह आ गए उसने बताने की झुग्गी खाली करो। फिर इधर से 10 पुलिस वाले इधर से जब बोले कि आप लोग अभी तक झुग्गी के अंदर में हो, झुग्गी क्यों नहीं खाली कर रहे हो, तो हम बोले कि सर हम कहाँ जाएंगे खाली करके। बोले कि तुम लोग को जहाँ जाना वहाँ जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, तुम लोग आ करके कहीं से कहीं आकर यहाँ डेरा गिरा देते हो, कहते कि हम लोग कहाँ जाएंगे। कल यहाँ पर ये हुआ था, IW मुकेश और दिल्ली पुलिस के पंजाब विभाग थाने से आए थे, आकर के उन्होंने कहा कि आप ये झोपड़ी प्रधान जी खाली करवा दीजिए और मैं यहाँ इनको कल इनको डिमोलेशन करूँगा, इनको हटाऊँगा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हाई कोर्ट का आदेश है कि क्योंकि जब तक इनकी व्यवस्था नहीं होगी तब तक इनको नहीं आप हटा सकते हैं। बोला उनके पास कागज़ हैं नहीं। मैंने कहा कागज़ हैं क्यों नहीं, हम दिखाते हैं कागज़। जब कागज़ दिखाने का नंबर आया तो वो यहाँ से चले जाने के बाद में फिर जो है अभी तो सवेरे पता लगा कि शाम को फिर उन्होंने इनको कहा होगा झुग्गी वालों को कि मतलब हम इनको हटाएंगे। उनके 4 JCB आ गई थी उनके ऑफिस के पास में, 1 JCB यहाँ भी आ गई थी आकर के हटाने के लिए। और पुलिस वालों का भी आज आने का प्रोग्राम था लेकिन पुलिस किसी कारणवश नहीं हो पाई, इसकी वजह से अभी डिमोलेशन नहीं हो पाया और ये कभी भी हटा सकते हैं। कल 2-3 लोग आए थे तो बोला क्या अपना सामान को साथ लेना, नहीं तो कल आएंगे तोड़ लेंगे। 11:30 बजे आए थे तो हम लोग बोले कि अच्छा ठीक है, अब बोले देखते हैं, मेरा घर वाला अभी काम पे गया है, घर आएगा तो हम हटा लेंगे सामान। तो बोला क्या नहीं तो हटाओगे ना तो हम तोड़ ताड़ के हटा देंगे, इसे ऐसे बोल करके वीडियो करके ले गए। हम लोग का तो रोजी रोटी यहाँ पे है, तो हम लोग जब जाएंगे तो जब आप लोग जब करिएगा कि व्यवस्था दीजिएगा तब तो हम लोग चले जाएंगे, जब व्यवस्था नहीं दीजिएगा तो हम लोग तो यहीं पर रहेंगे। कि इसलिए रोजी रोटी भी है, हम लोग का रहने सहने का भी यहाँ पे, हम लोग 15 साल से है, 20 साल से है, तो हम लोग तो यहीं पर रहेंगे। कारोबार तो हमारा यहाँ है, काम धंधा यहाँ है, जो लोग बाग जानते हैं यहाँ। तो अभी जो बहन बेटी काम पर जाती हैं, किसी घरों में भी काम करती हैं, तो यहाँ से चली जाती हैं, पैदल चली जाती हैं, अपने काम पर चले जाते हैं, काम करके आ जाते हैं और लोग रख भी लेते हैं काम पर। अच्छा नई जगह जाएंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी हमारी रोजी रोटी की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वहाँ पर, ना तो काम होगा ना कोई रोजी रोटी होगी, वहाँ से फिर हम खाएंगे क्या, कैसे हमारा गुजारा होगा, कैसे बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराएंगे। दूसरी जगह बसाना चाहते तो वहाँ हमको काम दीजिएगा, काम कहाँ मिलेगा, काम भी तो चाहिए, खाली बस रहने से पेट थोड़ी ना चल जाएगा, काम भी तो मिलना चाहिए। अब कहाँ जाएंगे, ऐसी बिलट बिलट के रोड पर से रहेंगी, यही कूड़े के बाड़ा से कहाँ जाएंगे, हम लोग के तो यही रोजी रोजगार है। सुबह हम लोग यहाँ से जाते हैं, किसी जैसे जमींदार हो गए उनको सारे मोहल्ले से कूड़ा निकालते हैं, खत्ते पे भी काम करते हैं, कबाड़ा वाड़ा चुनते हैं, वही यहाँ पे लाते हैं, उसी का बेच बाच के खाते हैं हम लोग। पैसे कहाँ बनता है, 150-200-250 रुपये बनते हैं खाना है, बाल बच्चा के दुख रे, तकलीफ रे, कपड़े रे, लत्ते रे, सब करता हूँ उसी से।
भारत की जमीन पर जब हमने जन्म लिया है तो उस वक्त हमको जन्म होने लेने से क्यों नहीं रोक दिया गया, उसी वक्त रोक दिया जाता। जब रहने की तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं सरकार के पास में है, रखने की इनके जो है पालन पोषण नहीं करवा सकती है, इनका रोजगार नहीं दे सकती, इनको बसा नहीं सकती है, तो फिर यहाँ हिंदुस्तान में रहने का हमारे अधिकार क्या है? हिंदुस्तान का सबसे छोटा राज्य दिल्ली है और सारी जमीन अगर रेलवे ही छेक लेगी तो पब्लिक कहाँ रहेगा बताइए? इतनी अभी कम से 2000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन होगा यहाँ पर सकुर बस्ती में, सब जगह पूरी दिल्ली अगर रेलवे छेकी जा रही है जमीन को, और औरत लोगों को मार मार करके जो भगाता है यहाँ से, मर्द को मारे तो मारे औरत तक वहाँ छोड़ देता है, पब्लिक का कोई कदर नहीं। अरे पब्लिक से तो हिंदुस्तान है, पब्लिक से ही हिंदुस्तान है, समझ गए?